तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप माइनक्राफ्ट का जो नया वर्जन आया 1.13 पॉइंट करके है, बट एकदम न्यू में आपको भी दिखा दूंगा। उस वर्जन को आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और उस वर्जन की एक खास बात है कि आप उसमें एक्सबॉक्स को लॉग इन कर सकते हो। जैसा कि आपको पता होगा कि जो फ्री में माइनक्राफ्ट को डाउनलोड करते हैं तो उनके में प्रॉब्लम आती है, एक्सबॉक्स लॉग इन नहीं होता है, और जो पेड करके करते हैं उनके में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं होता लॉगिन। पर ये वाला वर्जन फ्री में भी है और इसमें एक्सबॉक्स का लॉगिन भी होता है, यानी कि आप सर्वर में भी प्ले कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ भी प्ले कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले आपको मैं आपको लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने की, आपको क्रोम पे या फिर जो भी आपके ब्राउज़र हो उस पर कर लो। मैं तो क्रोम सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये अच्छा लगता है। फिर ये लिंक डाल देता हूँ। आपको इसे कैप्चा वेरीफाई करना होगा, बस अपना इसे ब्लॉक कर देना ही आया तो। आ गया कैप्चर प्रोसेस, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। क्रोम पे डायरेक्ट हो जाता है इसलिए मैं क्रोम को सजेस्ट करता हूँ, बाकी जो यूजी ब्राउजर वगैरह होते हैं उन पे पूरा स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, इस पे डायरेक्ट हो जाता है। फिर टाइम मांगेगा 7 सेकंड का। फिर गेट लिंक, एक दूसरा पेज होगा रीडायरेक्ट, उसको हटा देना। ये आगे जैसे कि आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट वर्जन 1.13.1.5 ये वर्जन है, आपको इसे डाउनलोड कर देना है। 90 MB का है और इंस्टॉल कर लेना है। ये मैं कर चुका हूँ पहले इसलिए मैं इसे फिर से नहीं करूँगा। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। बस आपको अपनी वो जो आईडी है ना एक्सबॉक्स की, आपको एक्सबॉक्स के ऐप में से क्रिएट करनी होगी, या फिर एक्सबॉक्स के ऐप में से नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, इसमें साइन इन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो ब्राउज़र से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्रिएट कर लिए पहले से ही, पर इसमें मैं आपको फिर से क्रिएट करके दिखा देता, पर अभी वापस उसी से ही लॉग इन होगा क्योंकि कंटिन्यू। देखो ये मेरी आईडी लॉग इन है पहले से क्योंकि साइन इन कर लिया है मैंने उसी वाले वर्जन में, वर्जन भी वही है 1.13.1। वो 5 शो नहीं कर रहा क्योंकि स्क्रीन फोन की थोड़ी अलग है इसलिए। देखो प्ले पे क्लिक करता हूँ, सर्वर शो कर रहे हैं इस पे। फ्रेंड को भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, देखो जैसे कि ऐड फ्रेंड पे क्लिक करा ये हो रहा है। आपको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है तो आपको उसका भी यही वाला वर्जन करवाना पड़ेगा और फिर उसको लॉगिन करवाना पड़ेगा, और फिर एक्सबॉक्स का जो ऐप होता है उसमें आप दोनों को फ्रेंड बनना पड़ेगा, फिर इधर शो कर सकता है उसका नाम। अभी देखो सर्वर आ गया, ये 9 सर्वर है, इन सर्वर में प्ले कर सकते हो आप। मैं आपको एक में प्ले करके दिखा देता हूँ। चलो और एक चीज़ और बता दूँ, सर्वर वाईफाई से चलता है, और अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप ये सेटिंग में जाओ। देखो ओपन हो रही है, टाइम लेती है थोड़ा सा। ये सेटिंग आ गया, ये कौन सी चीज़ में होता है मैं खुद भूल गया। ग्लोबल रिसोर्स ऑडियो प्रोफाइल, हाँ ये रफ प्रोफाइल, इस पर ये यूज सेल्यूलर डाटा जो है इसको ओपन कर देना है जब भी आपका सर्वर प्ले हो सकता है इंटरनेट पे, वरना वाईफाई मांगता है। मैं एक सर्वर प्ले करके दिखा देता हूँ। टू लॉन्ग टू लॉग इन, पता नहीं क्या था ये। अनेबल टू कनेक्ट, पता नहीं क्या हो रहा है, रुको एक और बार करके दिखाता हूँ। लोकेटिंग हो रही है, बस ये चालू हो रहा है। देखो लोडिंग रिसोर्स, तो
लो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सर्वर प्ले हो चुका है, लोडिंग हो रहा है, ये हमें बड़ा लैग करती है वाली गेम कभी कभी। चलो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सर्वर प्ले हो चुका है, ये सर्वर पता नहीं सर्वर में खेलने में क्या है, सच अपने फ्रेंड के साथ खेलो, इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, सर्वर में ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती नहीं है। चलो यार जैसे कि आपने देख लिया सर्वर हो रहा है, इसमें कनेक्ट एकदम सही फ्री में है ये वर्जन। मैं वीडियो यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दो जल्द से जल्द।